हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जेई 2024 मेंस रिजल्ट इज नाउ आउट। और एज यूजुअल, जिज्ञान ने फरीदाबाद में हर साल की तरह सबसे अच्छा रिजल्ट दिया और अपने पिछले रिजल्ट को, अपने ही रिजल्ट को इम्प्रूव किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिज्ञान में सबसे पहले जो हमारा टॉपर है हर्षित कुमार, दैट इज 99.91% उसने स्कोर किया है। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट ही है जनवरी वाला। सेकेंड इज अभय, 99.57%। ये दोनों 2 ईयर कोर्स के 2 ईयर क्लासरूम कोर्स इन्होंने लिया हुआ है। शिव अरोड़ा है 99.08, अगेन 2 ईयर। एंड देन वी हैव मनिष्का। मनिष्का ने 4 साल जिज्ञान में ही हमारे साथ पढ़ाई की है, 98.62%। एंड देन वी हैव यश बैंसला, 98%, नॉट परसेंट। तो नाउ द पॉइंट इज, फर्स्ट अटेम्प्ट इज ओवर और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने दिया होगा, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है। अभी दूसरा अटेम्प्ट भी बाकी है। इसके अलावा आगे कुछ भी प्रोसीड करने से पहले इन सभी बच्चों से भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर पूछेंगे। बट उससे पहले मैं आपको उस सारी टीम से मिलवाऊंगा जिस टीम के अथक प्रयासों से, मेहनत से ये सब कुछ हमारे लिए पॉसिबल हो पाया, इतने छोटे सिस्टम में, फरीदाबाद में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट। और अगर आप हमारा रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का भी इस तरीके का रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो कंचन सर, ये कंचन सर है मैथ्स फैकल्टी। एंड नेक्स्ट अमित सर, अमित सर केमिस्ट्री फैकल्टी और ये मेरे स्टूडेंट भी हैं। नेक्स्ट अरविंद सर, अरविंद सर हमारी मैथ्स फैकल्टी है, आई थिंक हम इसमें आ पाएंगे सारे के सारे। और अगला पुरुषोत्तम सर, पुरुषोत्तम सर ये भी हमारी फिजिक्स की फैकल्टी है। नेक्स्ट ये हैं हमारे निखिल सर। तो इन्होंने, जैसे धोनी होता है, थोड़ा लेट ज्वाइन ही थे, लेकिन इन्होंने लास्ट में आके और बच्चों को जिस तरीके से एक फिनिशिंग टच दिया वो काबिले तारीफ है। और इन्हें ज्वाइन किए हुए भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, बट इनकी जो मेहनत है, बच्चे जो लाइकिंग है, वो एक अलग ही लेवल पे। और अभी मैं आपको मिलवाऊंगा, आइए गौतम सर। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम है वो ऐसे ही नहीं उठता है, उसमें ऐसी टीम, ऐसे बच्चे और एक इस तरीके का एफर्ट रहता है जो पूरा उसमें मतलब अपना 100% देता है। और अगर गौतम सर भी मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन इनके बारे में मैं बोलूं कि ये इससे पहले ऑनलाइन एजुकेशन में थे, ऑफलाइन में ये इनका फर्स्ट वेंचर था, लेकिन इनका फीडबैक वॉज एक्सेप्शनल और सेम वॉज द केस विद, खैर कंचन सर और हम तो, कंचन सर कहाँ हैं कंचन सर और हम तो खैर पुराने आदमी हैं, ये भी 2017 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने आपको टीम से मिलवाया। अब मैं एक एक करके आपको बच्चों से भी मिलवाऊंगा। तो एक हर्षित आइए भाई, हर्षित। और इसके बाद एक अच्छी टीना मैम, आप जाइए नहीं, एक अनाउंसमेंट होनी है आपको लास्ट में, हाँ जरूरत पड़ेगी। तो ये हर्षित है। तो भाई हर्षित, अब तो मुझे आपकी बात मुझे पूछनी पड़ेगी। तो हर्षित आपको क्या लगता है, क्योंकि वहाँ आप शर्मा रहे थे जब और लोग आपसे पूछ रहे थे, क्या लगता है आपको कि आपका जो इतना अच्छा स्कोर आया, इसके लिए आपने कैसे तैयारी की? शर्माओ मत, एक जेन्युइन आप बताइए कि जो अगर आपका छोटा बच्चा सामने, छोटा भाई आपका देख रहा हो, तो आप उसे क्या सुझाव दोगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए 2 साल के लिए? पहली बात तो हमें अपने टीचर्स की, एडलर्स की बात माननी चाहिए। वो जैसे जैसे बताते हैं उनका अकॉर्डिंग करना चाहिए। वेरी पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए जो सर बताते हैं, फिर गुड। प्रैक्टिस करनी चाहिए और आखिरी में तो टेस्ट करने पड़ते हैं, जिससे हमें अपनी गलती पता चलती है और बेटर इम्प्रूव करते हैं। तो आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे? 10 to 12 hours में रोज पढ़ा। 10 to 12 hours, ये 10 to 12 hours वो होते थे इंक्लूडिंग क्लासरूम या क्लास से घर जाने के बाद? इंक्लूडिंग क्लासरूम। इंक्लूडिंग क्लासरूम। और उसके बाद आप एक टॉपिक पे लगभग कितनी प्रॉब्लम करते थे? क्या सिस्टम रहता था कि जैसे आपने मूल कॉन्सेप्ट किया या लॉज ऑफ मोशन किया, तो कितनी प्रैक्टिस आप उस पे करते थे? वैसे तो वो चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता था, हाँ। पर 200, 150, 300 तक थे। और आपका सोर्स क्या रहता था प्रॉब्लम करने के लिए? कहाँ से आप ये चीजें ढूंढते थे और करते थे? विज्ञान के मॉड्यूल में इनफ क्वेश्चंस होते थे तो वहीं से करता था। और टेस्टिंग के लिए आप क्या करते थे? विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टेस्ट हैं, वो भी अभी पूरे। और अभी आप एडवांस के लिए क्या कर रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हो अभी? एडवांस के लिए कुछ तैयारी स्टार्ट की है? एडवांस के लिए विज्ञान के जो आखिरी एक्सरसाइज है वो। चलो वेरी गुड, आप मेहनत करो और भगवान इसी तरह आपको सफलता दे। अब मैं अगले बच्चे को बुलाना चाहूंगा। अभय आप आइए, कंचन सर एक बार अभय से। हाँ, तो अभय आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, 99.57%। तो
ये बताइए कि जो बच्चे हमारा वीडियोस देख रहे हैं ये, ठीक है, उनको अब किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? जो आपने ये जर्नी तय की अभी तक से, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया आपने, आपको 99.57 परसेंटाइल आया, इसके लिए आपने क्या किया था? वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है, हर किसी की अलग तरीके से वर्कआउट होता है, जो भी प्लान होता है, पर अपने टीचर्स को फॉलो करो, रिजिडली डिसिप्लिन से रहना चाहिए, और 10 से 12 घंटे डिसिप्लिन पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा आपको। तो जिज्ञान के जो मॉड्यूल्स हैं उनका क्या प्रॉफिट मिला आपको? विज्ञान से के मॉड्यूल करने से सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप पेपर में जाके बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराहट फील होने नहीं है, क्योंकि हमें तो हुई नहीं थी, और अच्छा क्वेश्चन सेट है तो उसकी प्रैक्टिस के बाद प्लस आगे आ जाइए। क्वेश्चन सेट बहुत अच्छा है तो उससे आप मेंस एडवांस दोनों की तैयारी कर पाओगे अच्छी तरह से। बिल्कुल, तो अभी हमने जो जिज्ञान ने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई थी जिसमें कि लगभग 85 प्लस टेस्ट थे, उस टेस्ट से आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिली? उससे टेस्ट से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी 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 हो पाई। हाँ, थोड़ा सा टफ तो रहता है सारे टेस्ट अटेम्प्ट करना, पर बढ़ देता रहता है। चलिए, तो टेस्ट टेम्परामेंट आपका सुधरा इस चीज़ से? बिल्कुल सर। तो जो आपके टेस्ट टेम्परामेंट सुधरे उससे आपके मार्क्स और इम्प्रूवमेंट हुए और आपको 99.5% अचीवमेंट हुआ। ओके, चलो तो एडवांस के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, चलिए। हाँ सर, तो पहले सबसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा इतना अच्छा आया, 99.08% आया है। और मैं तुमसे ये मेनली पूछना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो लोग अभी यूट्यूब से हमें देख रहे होंगे, कि मतलब जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पूछना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी सेशन टू के लिए देने वाले हैं, कि तुम ऐसा क्या किए जो जिस कारण से तुम्हारा इतना अच्छा परसेंटाइल आया? मतलब ये तो सब बता देते कि मैं मॉड्यूल बनाया, मैं नोट्स किया, ये सब किया, पर क्या ऐसा टेम्परामेंट था तुम्हारा जिसके कारण तुम्हारा इतना अच्छा परसेंटाइल आ पाया? सर, सबसे इम्पोर्टेंट तो नोट्स पढ़ना तो है ही, उसके अलावा अपने टीचर्स की बातें सुनना और उनको फॉलो करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कंसिस्टेंट रहना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसा लग रहा है वैसे अगर इतना अच्छा स्कोर करके तुम्हें? सर, अच्छा लग रहा है, बट बेटर हो सकता था ऑफकोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, तो जेई एडवांस के लिए और अच्छा से मेहनत करना और बेस्ट ऑफ लक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर इतनी अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए, तो कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ? अच्छा लग रहा है, पर और भी अच्छा हो सकता था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम्हारे जो 2 साल की जर्नी थी हमारे साथ कैसे रही, क्या क्या तुमने इस जर्नी में फेस किया, अप्स एंड डाउन से जो भी तुमने फेस किया वो एक बार उस पर थोड़ा सा चर्चा। अप्स एंड डाउन तो हर किसी की जर्नी में होते हैं, लेकिन जब उनको ओवरकम करने की बात आती है तो वो मेन इशू बन जाता है। तो जिज्ञान के साथ बहुत अच्छा लगा, और खासकर जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं। नोट्स का रिवीजन सब करते हैं, पर जो टीचर्स पे एक भरोसा होना चाहिए और उनको फॉलो करने की जो लगन होती है बस उसी, वो बहुत ज़्यादा मेन होती है, और टेस्ट तो देनी पड़ती है। अभी आगे के लिए क्या विचार है? आगे के लिए अब जो गलतियाँ हुई है वो बस सुधारनी है। तो अब बड़े युद्ध की तैयारी शुरू है। हाँ जी, हाँ, बहुत बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जैसे पेपर में काफ़ी स्ट्रेस रहता है बच्चों को, तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया तभी तुम्हारा इतना अच्छा परसेंटाइल बन पाया? स्ट्रेस में यही किया कि पहली बात तो जो जिज्ञान के टेस्ट होते थे उनका लेवल हमेशा से हायर रहा, तो वहाँ पर जाके ये बहुत ईज हो गया कि क्वेश्चन देखे तो लगे कि अच्छा ये तो हो जाएंगे, तो उस वजह से ऑटोमेटिकली 2 क्वेश्चन हुए तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मुश्किल क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे उसको कुछ टाइम दिया, उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि यही गाइडेंस मिली थी कि एक क्वेश्चन पे लटकना है ही नहीं, अगर नहीं हो रहा 3-4 मिनट में तो आगे पे मूव ऑन कर जाओ, 90 क्वेश्चन है बस, 75 ही अटेम्प्ट करने। तो 15 के वो जो हमें ऑप्शन मिले वो काफ़ी बेनिफिशियल था। मतलब अच्छा करेक्ट गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स और जो अच्छे पेपर्स बने इसने काफ़ी हेल्प किया आपको। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। हेलो,
मनीष का कॉन्ग्रेचुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 98.62 परसेंटाइल स्कोर किया. सो आप फोर ईयर से यहाँ पे क्लासरूम ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि आप जिज्ञान के साथ इतने टाइम से जुड़े हो, तो एक बार आप बताएंगे. तो यहाँ पे मतलब हम टीचर्स के साथ अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि हमें हमारे डाउट्स पेंडिंग है या फिर हमें कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो हम टीचर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो ये सब का काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट रहता है, और टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो इजीली समझ में भी आते हैं. चलो एडवांस के लिए ऑल दी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना. आदित्य सर, तो कितना परसेंटाइल आया है आपका सर? 96.1. अच्छा, हमने जो जिज्ञान में आपको डीपीपी और मॉड्यूल दिए वहाँ से क्वेश्चंस, ऐसा लगा कि एग्जाम में मॉड्यूल या डीपीपी में से क्वेश्चंस आए हो? यस सर, ऐसा मेंस में तो होता है नहीं, मतलब वैसे ही पैटर्न रहता है तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अगर हम ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, फिर वो एंग्जाइटी भी नहीं होती पेपर में कि ऐसा कुछ अलग आ गया या फिर ऐसे. अच्छा, ऑनेस्टली एक चीज़ बताओ, जो क्लास नोट्स में हमने इलस्ट्रेशन लिए, क्या वहाँ से ऐसा लगा जेई मेन में कि यार सेम क्वेश्चन उठ के आया हो? यस सर, ऐसा दो तीन क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल ही सेम थे, मतलब बस डेटा चेंज था, कॉन्सेप्ट वही लग रहा था. बिल्कुल, देखिए इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो जिज्ञान मटेरियल दे रहा है मॉड्यूल डीपीपी और जो हमारे क्लास नोट्स है, सिर्फ अगर आप वो कर लो, कोई एक्स्ट्रा बुक बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मोर देन इनफ है. और बहुत अच्छा, देख रहे हो आप इतना बच्चे हमारे अच्छे परफॉर्म किए हैं. ठीक है, अरे थैंक यू. आदित्य एक सवाल, आप इतना टेस्ट दे, जिज्ञान का कितना टेस्ट दिया आप? सर 85 प्लस या 100 के आसपास टेस्ट दिए थे, लास्ट में ज़्यादा दिए थे. इसे आपको कोई बेनिफिट हुआ? जो भी गलतियाँ हैं वो सारी एनालाइज करने को मिली. क्या गलती एनालाइज की आप जिज्ञान के टेस्ट में जो आपको फ़ायदा किया मेंस के टेस्ट में? सर इसकी मैथ में जो भी गड़बड़ हो गई या फिर कोई सिली मिस्टेक हो जाती थी कैलकुलेशन में, वो एनालाइज करी, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, तो पेपर में ध्यान रखें. और एडवांस का क्या प्रिपरेशन है आपका, कैसे करिएगा? अभी तो सेकेंड अटेम्प्ट में करूँगा, थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश, और अब हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से टाइम दे के एडवांस के लिए करूँगा, चाहे वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे. आपको एडवांस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरीके से उन्नति करते रहिए. बेस्ट ऑफ लक. और अब राहुल सर आएंगे, आपको बताएंगे आगे क्या स्टेप. तो आप लोगों ने अभी जिज्ञान का रिजल्ट देखा, और देर इज सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. और अभी तक आपने देखा कि पिछले चार साल में कहाँ जिज्ञान जो 10 बच्चों से 20 बच्चों से स्टार्ट हुआ था, और आज किस तरीके के रिजल्ट्स दे रहा है. और अब हम यही रिजल्ट नीट में भी रिपीट करने के लिए तैयार हैं, और इस साल से जिज्ञान विल बी इन नीट. और मैं आपको फिजिक्स मैथ सब फैकल्टी से मैं ऑलरेडी मिलवा चुका हूं, एक सरप्राइज मैंने आपके लिए रखा हुआ था. और मैं अभी टीना मैम को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर. टीना मैम प्लीज, और आप बच्चों को थोड़ा बताएं कि नीट में यहाँ पर क्या उनको बेनिफिट मिलेगा. तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो नीट में अब हम क्या नया करने वाले हैं कि बच्चे आए जिज्ञान में, और हम अगले दो साल में, क्योंकि हम एक 10th to 11th वाला ही बैच स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं दो साल बोल रहा हूँ. हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. तो टीना मैम अब आपको बताएंगी. टीना मैम जरा अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से एक बार दें, और थोड़ा बताएं कि नीट में हमारा यूएसपी क्या होने वाला है. बेसिकली मैं टीना, मैंने मास्टर्स की हुई है जूलॉजी ऑनर्स में, ऑनलाइन टीचिंग में काफ़ी टाइम से रही हूँ, एज अ रिसर्च एसोसिएट भी काम किया है आरसीबी में, यहीं फरीदाबाद में है. अब यहाँ पे जिज्ञान के साथ हूँ पिछले एक साल से. और नीट में अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारी जेई मेन में है कि हम क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, नीट में भी हम वही चीज़ रखेंगे. हमें ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा बच्चों का एकदम से क्लास भर देना है, क्योंकि मेनली क्या होता है नीट में, बच्चे को जो चाहिए होता है कि एक प्रॉपर हमारे ऊपर अटेंशन होनी चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पर नीट में भी सेम चीज़ रखेंगे जो हमने जेई मेन में रखी है. टीचर्स कॉन्टेक्ट में रहेंगे, 24/7 अवेलेबल हैं. रात में सोएंगे वो एक अलग बात है, बट सुबह उठते ही सबसे पहले डाउट क्लियर करेंगे बच्चों के. जैसे मॉड्यूल्स हम जेई मेन में बिल्कुल हम अपडेटेड रखते हैं हर चीज़ की, हाँ जो भी लास्ट ईयर में आया है या जो हमें लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, तो वो सब चीज़ें हमें सेम चीज़ जो है वो नीट में भी फॉलो करेंगे. इसी तरीके से हम सबके सपोर्ट के साथ, पूरी टीम के सपोर्ट के साथ, ऐसे ही हम नीट में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं. क्योंकि नीट में मेजरली होता है कि आप कंसिस्टेंसी, जो आप रेगुलर पढ़ो, एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं पढ़ना, चाहे आप थोड़ा सा पढ़ो 40 मिनट के लिए, एक घंटे के लिए किसी भी सब्जेक्ट को, पर उसको पढ़ो. अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो उससे भी आपके नीट में अच्छे स्कोर हो जाएंगे. तो नीट में भी हम इसी तरीके से, जैसे जेई मेन के सेलिब्रेशन है अगले साल, इसी तरीके से हम नीट में भी सेलिब्रेट करेंगे. तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सर. तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर जो एडमिशन की प्रोसेस होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, 9th से लेकर 12th तक यहाँ और 12th पास के एडमिशन होते हैं. और उसके लिए यू हैव टू
गिव, यू हैव टू अटेम्प्ट अ स्कॉलरशिप टेस्ट जिसकी डेट अभी नेक्स्ट संडे यानी 18 फरवरी को होगी और वो होते रहेंगे। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो ITJEE या नीट, अगर आपको उसके लिए बेस्ट फैकल्टी बेस्ट सिस्टम चाहिए तो यू कैन कम हेयर और जस्ट फील द डिफरेंस। रिजल्ट ही ऐसे ही नहीं आया, ये हमारी क्वालिटी कमिटमेंट इन सभी चीज़ों का एक मिक्सचर है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड फॉर वॉचिंग अस, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू एवरीवन अगेन।